Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are doing English Reader of Class 2 by Brain Root series and here is a book. The name is Literary Journeys. Today we are going to start Chapter 7 and the name is Netaji Subhash Chandra Bose. So here in the chapter we are going to learn about Subhash Chandra Bose who was also called as Netaji. So there are many blessings that come from being grateful. अच्छा होने से आपको बहुत सारी blessings भी मिलती हैं. From the good things we enjoy, जो भी हम good things करते हैं. सुभाष चंद्र बोस was one such blessing that our country India got. सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी blessing थे जो हमारे इंडिया को मिली थी. So let's start the chapter. सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in Cuttack. सुभाष चंद्र बोस जो है 23 जनवरी को पैदा हुए थे 1897 में कटक में. श्री जानकी दास बोस वॉज हिज फादर एंड श्रीमती प्रभावती वॉज हिज मदर. तो श्री जानकी दास उनके फादर थे और श्रीमती प्रभावती उनकी मदर थी. ही पास हिज मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड सिक्योर सेकेंड पोजिशन इन द होल प्रोवाइंस. पूरे ज़िले में उन्होंने मार्टिकुलेशन जो एग्जामिनेशन है उनकी 10th 12th की एग्जामिनेशन को पास किया था और पूरे प्रोवाइंस में उन्हें सेकेंड पोजिशन मिली थी. आफ्टर दैट ही पास द बी एग्जामिनेशन एंड सिक्योर द फर्स्ट डिविजन. उसके बाद बी ए का एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया और उन्हें फर्स्ट डिविजन मिली. ही वेंट टू इंग्लैंड टू अपियर फॉर द ICS इंडियन सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. अब वो इंग्लैंड जा चुके थे और वहाँ जाके उन्होंने एग्जाम देना था किसका ICS जिसे हम इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं. ही पास इट विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ ओनली 8 months. 8 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने वो एग्जाम पास कर लिया. बट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन दिस ऑनरेबल जॉब बिकॉज ही थॉट दैट वाइल डूइंग दिस जॉब इट वुड नॉट बी ईजी फॉर हिम टू सर्व हिज मदरलैंड. लेकिन जॉब मिलने के बाद उन्होंने इस जॉब को ठुकरा दिया. क्यों क्यों ठुकराया? उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अगर ये जॉब करेंगे तो वो अपने मदरलैंड को मीन्स इंडिया को सर्व नहीं कर पाएंगे, उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे. सो ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड सोशल सर्विस. अब वो इंडिया वापस आ चुके थे और वहाँ आके उन्होंने सोशल सर्विस वर्क स्टार्ट किया कैलकाटा में, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है. ही वॉज इलेक्टेड द मेयर ऑफ कैलकाटा. वहाँ जाके उन्हें वहाँ का मेयर बना दिया गया इन 1918. ही वर्क फॉर 5 months एज अ मेयर. वहाँ जाके उन्होंने 5 महीने काम किया एज अ मेयर एंड देन ही रिजाइन एंड स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट. और फिर उन्होंने रिजाइन करके वहाँ से जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया. उस समय जो है इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी तो उस फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. सोन सुभाष चंद्र बोस बिकेम द फेमस लीडर्स. और एकदम ही बहुत ही जल्दी सुभाष चंद्र बोस एक फेमस लीडर बन चुके थे. ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और वहाँ पे उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया था 1938 में और दोबारा से 1939 में. वेन ही वॉज अंडर अरेस्ट इन 1941 He slipped off to foreign countries. तो 1941 में उन्हें जो है पुलिस ने पकड़ लिया था, ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गए और फॉरेन चले गए. He reached Germany and met Hitler for help. So अब वो जर्मनी चले गए और वहाँ जाके वो हिटलर से मिले उनसे हेल्प मांगने के लिए ताकि वो इंडिया के फ्रीडम फाइट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी हेल्प कर सके. अब वो सिंगापुर जा चुके थे. He reached to Singapore in a submarine. वो एक सबमरीन में छुप के सिंगापुर गए. सबमरीन क्या होती है? एक जो है पनडुब्बी को हम सबमरीन कहते हैं. वो एक तरीके की शिप होती है जो पानी के अंदर चलती है, मीन्स वो आपको दिखाई नहीं देगी. सो सबमरीन में छुप के वो सिंगापुर चले गए. देयर ही ऑर्गेनाइज द INA इंडियन नेशनल आर्मी. और वहाँ जाके उन्होंने INA बनाई जो कि इंडियन नेशनल आर्मी है. विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान. जर्मनी और जापान की मदद से All the Indian troops at Singapore joined his army. जितने भी Indian troops थे उन सब ने Singapore में जितने भी Indian troops थे उन सब ने मिलकर इस army को join किया. The Indians who were there also joined his mission and helped in
ऑल द पॉसिबल वेज, और जितने भी इंडियंस थे वहाँ पे उन सब ने इस मिशन में ज्वाइन किया और उन्हें हेल्प किया जिस भी तरीके से वो हेल्प कर सकते थे. He gave the slogan of Jai Hind to INA. Later on, it became a national slogan. तो अब सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था जो है जय हिंद, और बाद में जाके हमारा नेशनल स्लोगन बन चुका था. He asked the people of India, give me blood or I will give you and I will give you freedom. उन्होंने लोगों को एक स्लोगन दिया जिसमें उनका कहना था कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ दो, तुम मेरे साथ लड़ो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हो सकता है उसमें तुम्हारा खून बहे, हो सकता है तुम मारे भी जाओ, लेकिन एक दिन क्या होगा, एक दिन हम इन ब्रिटिशर्स से अपना जो ये जंग है, जो आज़ादी की जंग हम लड़ रहे हैं उनसे, वो हम जीत जाएंगे. तो यही था इसका मतलब कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ही सक्सीडेड इन रीचिंग अप द टू इम्फाल इन आसाम, और वो इम्फाल पहुंच चुके थे जो कि आसाम में है. अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू स्टॉप हिज मिशन, और अचानक से उन्हें अपना मिशन वहीं पे रोकना पड़ा. देयर बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर टू. तो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था और उस समय जापान और जर्मनी जो इंडिया का साथ दे रहा था अब वो हार चुका था. तो क्योंकि वो दोनों हार चुके थे तो इंडिया का साथ देने के लिए कोई नहीं था उस समय. सो इस वजह से ये मिशन वहीं पे रोकना पड़ा. इट इज सेड दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एयर क्रैश ऑन 18th August. ऐसा कहा जाता है कि एक एयर क्रैश हुआ जिसमें 18th August को 1945 में उनकी जान चली गई. इंडियंस लव्ड हिम वेरी मच एंड कॉल्ड हिम नेताजी आउट ऑफ रिस्पेक्ट. तो हम इंडियन जो है उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें प्यार से नेताजी बुलाया करते थे. सो दिस वॉज एन इंफॉर्मेटिव चैप्टर. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. द फर्स्ट वर्ड इज प्रोवाइंस विच मीन्स डिस्ट्रिक्ट. सिक्योर्ड का मतलब होता है टू मेक समथिंग सेफ. नेक्स्ट इज ऑनरेबल, रिप्यूटेड, रिस्पेक्टेड. सर्व का मतलब होता है टू परफॉर्म ड्यूटी. नेक्स्ट मदरलैंड मींस द कंट्री वेयर वन इज बॉर्न, ऐसी जगह जहां पे कोई पैदा हो. इलेक्टेड मींस टू चूज बाय वोटिंग, किसी को वोटिंग के द्वारा चूज करना. रिजाइन मींस गिव अप एन ऑफिस और पोजीशन, किसी भी ऑफिस या पोजीशन से अपना नाम हटवा लेना. स्लिप्ड ऑफ वेंट समवेयर सीक्रेटली, कहीं पे चुपके से चले जाना. ऑर्गेनाइज मीन्स टू प्लान, किस चीज़ को प्लान करना. मिशन मतलब ड्यूटी होता है. स्लोगन मतलब समथिंग वन सेज टू शो रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप कोई बात कह देते हो. अनफॉर्चुनेटली मीन्स कॉज्ड बाय बैड लक, बैड लक से कोई चीज़ हो जानी. और क्रैश मीन्स टू हैव एन एक्सीडेंट. सो दिस वॉज अ ग्लॉसरी सेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज. And we are going to start with comprehension. A part is multiple choice questions. So children, here there are some questions. Subhash Chandra Bose was born on 23rd February, 23rd January, 27th April or 26th July. So it was 23rd January. Now who he wanted to serve his? वो किसको सर्व करना चाहते थे? Father को, city को, mother को या फिर motherland को? So it was motherland. He worked for 5 months as a, वो किस पोस्ट पे काम कर रहे थे कलकत्ता में? मेयर, लॉयर, ओनर या फिर ऑफिसर? सो ही वर्कड एज अ मेयर देयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. तो हेल्प बॉक्स की मदद से हमें क्या करना है? इन ब्लैंक्स को फिल करना है. सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन, वो कहाँ पे पैदा हुए थे? सो ही वॉज बॉर्न इन कटक. सुभाष वेंट टू डैश टू अपियर फॉर द ICS एग्जामिनेशन. कहाँ गए वो? वो गए इंग्लैंड. ही पास डैश एग्जामिनेशन ओनली इन 8 months. 8 months में उन्होंने कौन सा एग्जामिनेशन पास कर लिया था? इट वॉज ICS. लाइक दिस चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट 3 क्वेश्चंस योर सेल्फ. So now children, let's move on to true or false. We have to write true or false for the following sentences. First one is he passed Indian Civil Service Examination.
Yes, it is correct. It is true. So write here true. Next, he went to Canada to appear for ICS examination. This is false. He went to England. He was born on 23rd January 1987. So this is wrong. This is false. He became the leader of Indian National Congress. True. And the rest two questions, children, you have to complete yourself. Now let's move on to answer the following questions. When was Bose born? So do it yourself, children. Why did he go to England? So he went there to appear for ICS examination. Now, why did he return to India? He felt that he would not be able to serve his nation. That's why he would not be able to serve his nation. That's why he came back to India. What did he do after resigning as a mayor? So he became a social service. He used to do social service. And formed Indian National Congress. Now children, the remaining questions, question number 5, 6 and 1, you have to do yourself. So find out the answers and do it yourself. And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video, children. Till then, stay tuned and thanks for watching.